गाइस व्हाट्स अप, इट्स अर्गुरी वर्मा, इट्स अंजना फ्रॉम फूडाहोलिक। तो कैसे हैं आप लोग? यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज गाइस हम, मैं सीधा बोल देता हूं कहां पे आए हैं। आज कुछ जा घुमा फिर आगे नहीं बताएंगे। तो गाइस आज हम आए हैं कुंजबर रोड पे। कहां पे आए हैं सना बताएगी। तो गाइस जिस स्टॉल पे आज हम आए हैं उसका नाम है मनोज शेफ की मशहूर भेलपूरी। मतलब आपको पता लग गया होगा, एक काउंटर मेनली है भेलपूरी के लिए। और इसकी मैं लोकेशन बता देती हूं, कुंजपुरा रोड अपोजिट टू बीबा शोरूम। बीबा तो जा सकती है, आगे उधर है सनातन धर्म मंदिर या महावीर हॉस्पिटल भी कह सकते हैं आप उधर से। और ये लोकेशन रहेगी, आसपास का आप एरिया देख लो। अब चलिए भैया से करते हैं बात और देखते हैं हमने कौन सी भेलपूरी खानी है। यहाँ पे सर जो यहाँ पे कार्ट लगाते हैं भेलपूरी, बढ़िया बढ़िया वराइटीज़ की भेलपूरी। हेलो सर। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। आपका नेम बता दीजिए। मनोज। तो आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया भेलपूरी सेल करते हुए? 3 साल हो गए मेरे को। 3 साल हो गए। 3 साल से यहीं पे कुछ भी रोड पे। हाँ जी। तो टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग शाम को 5 से 10 बजे तक, रात को। शाम को 5 से रात के 10 बजे तक। और मतलब स्पेशलिटी क्या है आपकी, मतलब क्या स्पेशल भेलपूरी है? जैसे आपके 2000 बहुत सारी वराइटीज की भेलपूरी है, पनीर वाली, ड्राई फ्रूट वाली, गोलगप्पे हैं, भेलपूरी दही वाले, सेव पूरी है। तो गाइस अब हम यहाँ का मेन्यू देख लेते हैं, मेन्यू कैसे होने वाला है। मतलब इन पे कुछ ज़्यादा आइटम्स नहीं है, पर जो है ना गजब है। गाइस ये रहने वाला है हमारी स्पेशल भेलपूरी का स्पेशल मेन्यू। आप देख सकते हैं आइटम्स हमारी लिमिटेड है, लेकिन सबके नाम, मतलब हमारे सिंपल भेलपूरी, स्पेशल भेलपूरी, स्पेशल सेव पूरी, क्रीम वाली भेलपूरी, हाँ जी भेलपूरी, पनीर वाली, ड्राई फ्रूट वाली आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, दही वाले गोलगप्पे, भेलपूरी वाले और भेलपूरी गोलगप्पे, भेलपूरी क्रीम वाले भी। मतलब ये यूनिक आइटम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और प्राइजेस सबके ऐसे ही रहने वाले हैं, 30, 40, 50, 60। और मतलब देखते हैं अभी हम क्या टेस्ट करेंगे। तो गाइस अभी हम करवा रहे हैं पनीर वाली भेलपूरी करवा रहे हैं, जिसका पनीर वाली हम हाफ प्लेट करवा रहे हैं, जिसका प्राइस है 60 रुपीज़। और सेव पूरी हम करा रहे हैं क्रीम वाली फुल, जिसका प्राइस है 70 रुपीज़। तो हम मेकिंग देख लेते हैं थोड़ी। तो यहाँ पे प्याज आ गए हैं और ये टमाटर आ गया है, अब इनकी जंग होगी। पूरी वर्मा भी आ गया है इसको खाने के लिए। तो भैया आपको मतलब सारा सामान खत्म है तो जाते हो? हाँ जी। उबले छोले और आलू आ गए हैं, ये सेव आ गया ऊपर से, इस सेव का टेस्ट अच्छा होता है ना संजना? हाँ बहुत है ना, वो बिल्कुल नरम नरम सा और गरम गरम। नहीं ये आ गया हरी चटनी, स्पाइसी रहती कैसी रहती? स्पाइसी, हरी मिर्च डालनी है इसमें? नहीं हरी मिर्च डाल। ये क्या है? लाल चटनी, गुड़ और खजूर के। और यहाँ पे इनकी मतलब नमकीन और सबकी वैरायटी देख सकते हैं आप। और ये ऊपर ड्राई फ्रूट वाली जिन्हें बनवानी हो, और साथ में गोलगप्पे, इधर इग्नोर करें थोड़ा। ये तो पापड़ी के ऊपर बनते होगी ना, तो मतलब हाइजीनिक का पूरा ध्यान रख के बना रहे भैया यहाँ से, ग्लव्स वगैरह डाल के, और सब कुछ नीट एंड क्लीन सामान है ऐसे आप देख सकते हैं। ये आ गया हमारा पहला, मतलब पहली पापड़ी जिसके ऊपर है बहुत सारी चटपटी नमकीन है। कितनी रहते भैया पीस? 4 पीस। 4 पीस ठीक है, ठीक है। 3 मेरे, 1 संजना का। तू भी खाएगा भाई? नहीं अब बोल, नहीं बोलूँगा मैं। तो ये जैसे हमारी क्रीम वाली रहने वाली है, इसके ऊपर से हमारी क्रीम भी आएगी। ये ऊपर से सेव आ गए हैं और गार्निशिंग होगी सेव से, और वो चटनी भी आ गई दोबारा थोड़ी थोड़ी। ये आ गया अमूल की क्रीम। ओए होए ज़्यादा मत डालना भैया, थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती है क्रीम। साथ में आ गए ऊपर से अनार। पहले अपनी सेव पूरी टेस्ट कर लेते हैं, बाद में हम अपनी पनीर वाली भेलपूरी बनवाएंगे और टेस्ट करेंगे, वो हम हाफ करवाएंगे, क्योंकि वो संजना बता देगी हाफ करवानी है फुल करवानी है। मुझे डर लग रहा है। कोई नहीं भाई, डर के आगे जीत है। तो गाइस जज कर लेना। ये मैंने सेव पूरी खाई है नॉर्मल, पर आज क्रीम वाली खाई है ना,
ज़्यादा ऐसा लग रहा है क्रीम ज़्यादा नहीं है, पर जो थोड़ी चल रहा टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। और साथ में ऊपर अनार डाला हुआ ना। जब हम बनाने वाले हैं अपनी बनवा रहे हैं पनीर वाली भेलपुरी, ये हम फुल बनवा रहे हैं। भैया फुल कितने की है? फुल 70 रुपये की। 70 रुपये की? हाँ जी। 70 की है? 110 की? 70 की। हाँ जी ठीक है। ये वाला ठीक है। और क्रीम वाली सेब पूरी वो 30 रुपये की है। वाला बड़ा है साइज। अच्छा 110 वाला साइज दिखाना एक बारी। अच्छा 110 में ये वाला साइज मिलता है? ओहो ये तो फैमिली बकेट है। अभी जो 70 वाली है गाइस इसमें इस कंटेनर में मिलेगी। तो प्रोसेस मतलब नमकीन वगैरह तो वही रहती होंगी ज्यादा? पनीर वाली भेलपुरी भी आ चुकी है। हमने सेव पूरी टेस्ट करी वो। संजना पहले इसमें पनीर खा रही है देखो। वेस्टेड इन 2 सेकंड्स। तो मैं बता दूं इसमें हमें साथ में सेव पूरी फ्री मिली है। सेव पूरी नहीं है वो, पूरी पूरी है। सेव अलग है वो। मैं कह रही हूँ ये हमारी जो है ये हाफ की है, 70 रुपीज़ की है ये वाली। और फुल कंटेनर आपको दिखा दिया, 110 वाला है जो फैमिली पैक है, वो फैमिली पैक है। शुक्र है आप फुल नहीं करा दे क्योंकि ओवरलोड हो जाता। और जो हमने वो सेब पूरी खाई थी वो उसका प्राइस 30 रुपीज़ था, 4 पीस थे जिसमें। अब मैं ये खा लेती हूँ मीठी चटनी ज़्यादा लगा के। इसमें पनीर का पीस, सेब, सब कुछ ले लेती हूँ एक पीस में ही। हाँ नो 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 सब कुछ मीठी चटनी, प्याज, सेब, अनार, पनीर, नमकीन, भेल मतलब भेल बोल जाएगा, सबको मिला के बढ़िया टेस्ट आ रहा है एकदम। भेल पूरी वैसे मुझे मेनली क्या होता है टेस्ट चटनी वगैरह का हो गया, और नमकीन जैसे अच्छी क्वालिटी की हो ये वाली जो भेल होती है तो टेस्ट अच्छा आता है। और ये है और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनाया गया, मुझे टेस्ट अच्छा लगा। पनीर ऐड कर रहा है इसके टेस्ट को। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। गुरी वर्मा भी थोड़े बिजी हो रहे हैं तो आज मैंने एंडिंग की ड्यूटी ले लिया है। और सही बताऊँ ना कैमरा की व्यू अलग नहीं आ रहा, मैं ज़्यादा बड़ा बड़ा मैं थोड़ी छोटी हूँ ना तो ये बहुत ना सही में हैवी होगी। हमने हाफ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हाँ सही में, और हैवी भी मेरा इसमें ऐसे हो गया, मैंने तो बीच में ही मतलब छोड़ दिया, पेट भर गया। भेलपुरी की अलग अलग वैरायटी ट्राई करनी है ना तो यहाँ आ जाओ। हाँ आपने लोकेशन देख लिया है और जगह भी देख लिया है तो ज़रूर ट्राई करना है यहाँ पे आके करनाल वालों, क्योंकि हमें करनाल के। और हमें कमेंट सेक्शन में बता देना क्या है ये भेलपुरी, बाकी आप बता देना क्या हो। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले थर्सडे को न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।